जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस विद स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। चौदह सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया गया? 1949, 1975, 2006 या 2018? तो हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसको भारतीय गणराज्य ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी साहित्यक मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी राजभाषा को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा मानी जाती है। 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जो 351 के संबंध में हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश प्रदान करता है। वही विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका पहला सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। पहली बार 2006 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा देश भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और भारत के बाहर फिजी एक ऐसा देश है जहां हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर 1975 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपना पहला US ओपन और ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम, एलेक्जेंडर ज्वेरेव या राफेल नडाल? हाल ही में US ओपन 2020 टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें डोमिनिक थीम ने अपना पहला US ओपन और ग्रैंड स्लैम जीता है। यह 27 साल के थे जिन्होंने पहली बार US ओपन जीता है। थीम US ओपन का खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी सीट थीम ने मेंस सिंगल्स के फाइनल में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 के सीधे 5 सेटों में हराया है। चलिए डिस्कस करते हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वुमेन्स में जीता है सोफिया केनिन ने। और फिर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, जो राफेल नडाल ने जीता है, और महिलाओं में जीता है अश्विन वर्दी ने। और विंबलडन खेला जाता है उसके बाद, जो भी नोवाक जोकोविच ने जीता है और सिमोना हालेप महिला में इन्होंने जीता है। US ओपन अभी हाल ही में खेला गया, जो डोमिनिक थीम ने जीता है और नायोमी ओसाका महिला खिताब जीता है। नायोमी ओसाका, जो कि इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम अभी हाल ही में US ओपन के रूप में जीता है। तो आपका आंसर होगा डोमिनिक थीम ने इसे जीता है। बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो पहला ग्रैंड स्लैम 1887 में खेला गया विंबलडन ओपन के रूप में। इसके बाद 1881 में US स्टार्ट हुआ और 1891 में फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, और वहीं 1985 में ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट हुआ। लेकिन वर्ष के आरंभ से ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, ये हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन किसे चुना गया? प्रीति सुदन, सुभाष कामत, अनिल जैन या BK यादव? हाल ही में सुभाष कामत को ASCI के नया अध्यक्ष बनाया गया। ASCI सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन चुना गया। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। तो आपका आंसर होगा सुभाष कामत। सुभाष कामत को परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर के रूप में चुना गया है। और अदर ऑप्शन में प्रीति सुदन जी हैं, जिनको अभी WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया कर लिया गया है। वहीं अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं BK यादव को रेलवे बोर्ड का पहला CEO बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे
चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक में भारत और किस देश ने भाग लिया? अमेरिका, चीन, रसिया या इसराइल? अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक में हिस्सा लिया है, जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअली मोड पर इस बैठक को आयोजित किया है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति और विकास की समीक्षा की है। उन्होंने पारस्परिक हितों के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को भी बढ़ावा देने की उम्मीद जताई है। तो आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने 2+2 अंतर सत्रीय बैठक में भाग लिया है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जिन्हें अभी हाल ही में दूसरी बार, पहली बार इनको नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था इसराइल और जेरूसलम में शांति वार्ता के लिए, और लगातार इसी ईयर में दूसरी बार इन्हें शांति के नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, कोसेस्को और सर्बिया के बीच शांति वार्ता के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेश राज्य मंत्री कौन है जिन्होंने भारत की ओर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया? श्रीपद यशो नायक, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद पटेल, बी मुरलीधरन। तो बी मुरलीधरन ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद में निपटान और COVID-19 महामारी सहित भारत के अनेक प्रयासों को साझा किया गया है। आसियान क्षेत्र मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेगा। तो आपका आंसर होगा बी मुरलीधरन। बी मुरलीधरन ने आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। चलिए बात कर लेते हैं आसियान की। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लायोस जैसे देश, 10 देश दक्षिणी एशियाई देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और अदर ऑप्शन में श्रीपद यशो नायक जी आपके आयुष और रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री हैं, वहीं जितेंद्र सिंह आपके पेंशन मंत्रालय देखते हैं और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं, वहीं प्रहलाद पटेल आपके संस्कृति मंत्री हैं जो कि राज्य स्वतंत्र मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या दिल्ली? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिए चलाई जा रही एक योजना है। यह सामाजिक कल्याण कार्यक्रम 2022 तक सभी के लिए घर योजना के तहत घर प्रदान करना है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल हैं, और 231 यहाँ की विधानसभा सीट हैं, 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा सीटें हैं। और अभी हाल ही में करंट की बात करें तो इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है, वहीं गंदगी भारत छोड़ो अभियान अभी हाल ही में यहीं पे स्टार्ट हुआ था। COVID-19 महामारी के लिए यहां पर रोको टोको अभियान चला था और रोजगार सेतु ऐप का लॉन्च किया गया है यहां पे अभी हाल ही में युवाओं के लिए, और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है? रघुवंश प्रसाद, जयप्रकाश, केशवानंद भारती या गोविंद सुरू? पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया।
वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में वह कार्यरत थे। उन्हें नरेगा या मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। तो आपका आंसर होगा रघुवंश प्रसाद। अदर ऑप्शन में आपके जयप्रकाश हैं, जो कि तेलुगु अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और वहीं केशवानंद भारती जो कि संविधान के वकालतकर्ता माने जाते हैं उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। वहीं गोविंद स्वरूप जो कि भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते हैं इनका भी कुछ दिन पहले अभी निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत करी है। यह नवीन पटनायक जी जिन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। उड़ीसा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है और नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ समझौता किया। तो आप इस योजना की शुरुआत की है। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। 147 विधानसभा सीट, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीट हैं। वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर है। 1 अप्रैल को यहाँ उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसका स्टेट फॉर्मेशन 1 अप्रैल को हुआ था। वहीं ट्राइबल क्वीन उत्कर्ष पुरस्कार में पल्लवी दुरुआ को यहाँ का पुरस्कार दिया गया है। वहीं रज पर्व भी यहीं मनाया जाता है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी अभी हाल ही में उड़ीसा में ही स्थापित की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? इंडिया, अमेरिका, चीन या इजराइल? अभी हाल ही में चीन को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना प्राप्त हुई है, जिनमें चीन के पास 350 युद्धपोत पनडुब्बियाँ, इनमें से 130 से ज़्यादा सरफेस कॉम्बेटेंट्स हैं, और अमेरिका के पास 293 युद्धपोत ही हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसैनिक अड्डे काफ़ी कम हैं, लेकिन भारत के पास एयरक्राफ्ट करियर, ओभचर ट्रांसपोर्ट, 8 लैंडिंग शिप टैक्स, 11 टैक्सट्रॉइड, 13 फ्रिक्टेस और कॉर्बेट्स, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल पेशर हैं और 4 फ्लीट ट्रैकर्स हैं। तो आपका आंसर होगा चीन। चीन अभी दुनिया की तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और रेनमिंट भी यहाँ की मुद्रा है, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की मंजूरी दी है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 971 करोड़ रुपये में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी है, जो कि बिहार में स्थित है। तो आपका आंसर होगा बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। किस भारतीय शहर में 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नागपुर, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या मुंबई? तो गाइस कैसे लगे आपको यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।